रोजाना न्यू टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी तरफ से अपलोड होने वाली रोज नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकें। Assalamualaikum guys, this is Naseeb Khan and welcome to another video. दोस्तों अभी आप लोगों ने एक इंट्रो देखा, ठीक है। अगर आप भी वैसा ही इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने YouTube चैनल के लिए तो ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि ऐसा इंट्रो आप फिल्मोरा को यूज़ करते हुए अपने PC में अपने YouTube चैनल के लिए कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही इंट्रो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी सिर्फ 3 चीज़ों की, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने चैनल पर जाना है, ठीक है, और अपने चैनल को ओपन करना है अपने स्मार्टफोन में और ऐसी वीडियो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर रहे हो, ठीक है। अब ये तकरीबन हम यहाँ पे देख सकते हैं 13 सेकंड्स की एक वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक ग्रीन स्क्रीन आपको मोबाइल फ्रेम चाहिए और दूसरा एक हैंड मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों ने जाना है YouTube पे, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन हैंड, मैंने जैसे ही टाइप किया ये पहले नंबर पे हैंड मूवमेंट वाली जो वीडियो है वो मुझे मिल चुकी है और दूसरे नंबर पर आपको मिल रही है फ्रेम वाली वीडियो, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों ने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों ने आ जाना है फिल्मोरा में, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप फिल्मोरा यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, लेकिन अगर आप नहीं करते और ये इंट्रो बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से सिंपली आप लोगों ने कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने ये जो फ्रेम वाली वीडियो है इसको यहाँ पे लाना है दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने लाना है तो सिंपली इससे जहाँ से ज़्यादा कर देते हैं इसका, ठीक है, साइज। और यहाँ पे अब आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली इसे चेक करना है और यहाँ से अगर आप चाहें तो इंटेंसिटी ज़्यादा कर दें, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी उस केस में मैटर करती है जब आपकी ग्रीन स्क्रीन लाइटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लाइटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने जो एक अपने स्मार्टफोन की जो एक आप कह सकते हैं कि एक वीडियो कैप्चर किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, उसको यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने इसे यहाँ पे फिट करना होगा उस फ्रेम में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिंपल इस फ्रेम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इस फ्रेम के साइज़ के बराबर इसको मैं इक्वल कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स सी, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि इस चीज़ में किसी भी किस्म की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जितनी बेटर होगी उतना अच्छा आपका जो आप कह सकते हैं इंट्रो बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग जाए तो डजंट मैटर, बट आप लोगों ने ये चीज़ बड़ी आप कह सकते हैं कि आराम तलबी के साथ बनानी है और ताकि किसी भी किस्म की कोई इसका आप कह सकते हैं कोना वगैरह इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट वी आर डन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा चूँकि आपको मैंने जस्ट करके दिखाना है ये चीज़। सो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड होंगे आप इससे, लेकिन गुजारा कर लेते हैं इसी के साथ, ठीक है। अब लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दो चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे मैं यहाँ से इसे प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब एक मोबाइल फ्रेम में वो चीज़ आ चुकी है, वो जो वीडियो हमने लगाई थी, अब यहाँ पर सब्सक्राइब हो रहा है और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने हैंड मूवमेंट अब यहाँ से आप लोगों ने फिक्स करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये एक हैंड मूवमेंट की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपल एक हैंड आप कह सकते हैं कि मूव कर रहा है, क्लिक कर रहा है, ठीक है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे लाना है तीसरे में, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि फिल्मोरा में ये जो वीडियो के लिए पहली टाइम लाइन होती है यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। सो आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमेशा आप लोगों ने ये जो नीचे वाली हैं, ठीक है, वीडियो टैब्स हैं, इनमें आप लोगों ने ड्रैग करना है ताकि आपका जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट है वो काम कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली अगेन आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, उसके बाद ग्रीन स्क्रीन एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी जो इंटेंसिटी है वो लाजमी आप लोगों ने 100 ही कर देनी है, ठीक है। अगर आप पहले वाले की नहीं भी करते डजंट मैटर, इसकी करनी है इससे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक किस्म का, क्योंकि अभी हम इसको मूव करने वाले हैं तो यहाँ पे पता चल रहा होता है कि एक्चुअली ये चीज़ की जो ओरिजिनल प्लेस थी वो कोई और थी और इन्होंने कुछ किया है, ठीक है। सो एडिटिंग परफेक्ट तौर पर अगर आप करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर तो आप लोगों ने इसकी इंटेंसिटी 100 कर देनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने दोस्तों करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे इसे प्ले करना है, ठीक है, ताकि आपको इफेक्ट पता चल सके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड क्लिक कर रहा है,
पहली चीज़ क्या है कि वो जो क्लिक कर रहा है वो गलत जगह पे कर रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब के करना चाहिए और ऊपर कहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, गलत टाइम पे कर रहा है, सब्सक्राइब मेरा बाद में हो रहा है, वो पहले क्लिक कर जाता है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली मैं यहाँ से वापस आता हूँ, ठीक है, और लेट्स सी यहाँ पे शुरू पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया, इसने क्लिक किया, ठीक है, एंड देन वापस। अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ से क्या करना है, ये जो साइज़ है इसका वीडियो पोर्शन था, ठीक है, इसको आप लोगों ने कर लेना है क्लिक, ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। इसको सिंपली आप लोग इधर ले आ सकते हैं, ठीक है, एंड देन यहाँ पे ले आया थोड़ा और नीचे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे। अब एक और चीज़, सबसे पहले हम इसका साइज़ कम कर देते हैं, ठीक है। सो साइज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड देन इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, साइज़ थोड़ा और भी कम कर लें तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका हम साइज़ इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन नाउ आई थिंक इट इज़ परफेक्ट, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे प्ले के पिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे शुरू में कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे हम इसे प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये आया, इसने क्लिक किया, अब ये हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये थोड़ा सा पहले काम कर रहा है, ठीक है, ये पहले मुझे जो उंगली आती है, ठीक है, टच कर जाती है, सब्सक्राइब उसके बाद हो रहा है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आना है, ठीक है। अब अगेन हम लोग यहाँ से इसे प्ले करेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो यहाँ पे इसे प्ले किया, ये हैंड उंगली आई, इसने क्लिक किया, एंड देन अभी भी हम थोड़ा सा लेट हैं, ठीक है। सो इसे थोड़ा और ले इधर ले आते हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं अभी क्या होता है। सो अगेन लेट्स वेट अ बिट, अब थोड़ा सा पहले हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने आपके खुद के समझने की हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ऑब्वियसली करके नहीं दे सकता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपको मुकम्मल तौर पर मैं चीज़ समझा सकूँ कि एक्चुअली वर्क कैसे होगा, ठीक है। सो अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, बट थोड़ा सा जो फ़र्क है वो चलेगा यहाँ पर, ठीक है। सो बट अब आई थिंक परफेक्ट है, ठीक है। अगर आप और भी करना चाहें इसमें, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, बट आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी एक्चुअली मैंने किया क्या है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये काम हो गया, अब दूसरा काम जो आप लोगों ने करना है वो है नोटिफिकेशन वाला, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन जो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे वापस लाते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी किस्म का बेल आइकन क्लिक नहीं हुआ, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नोटिफाई किया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसे कर देना है कट, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया कट, इसको करना है कॉपी, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपली कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे ले आता हूँ, ठीक है, एंड देन कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, अगेन आप लोगों ने इसकी मूवमेंट चेंज करनी होगी, अब इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। सो अब इसकी मूवमेंट यहाँ पे चेंज कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट क्लिक करने से क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने इसे मूव करना है। सो इसकी मूवमेंट अभी भी ठीक नहीं है, सो पहले इसकी मूवमेंट को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है इफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तकरीबन इसकी जो मूवमेंट है वो ठीक हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे दोबारा से प्ले करता हूँ, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आया, थोड़ा सा पहले हो गया, सो लेट्स इसके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ये क्लिक करता है उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ौरन से हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी, चूँकि बेल के बिल्कुल ही ऊपर इसका आप देख सकते हैं कि आ जाता है ये जो फिंगर है, ठीक है, इसे थोड़ा सा आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा इसे इधर ले आते हैं जाके आपको शो भी हो कि मैं कर के आ रहा हूँ। सो यहाँ पे इसे थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आई थिंक इट इज़ ओके। अब यहाँ पे इसे हम प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वापस गया अगेन यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक होता है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों दो चीज़ें हो गई हमारे पास, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने एक मूवमेंट ली, मूवमेंट वाली फिंगर ली इनफैक्ट, ठीक है, और उसको हमने फिक्स कर दिया
सब्सक्राइब के बटन पे, ठीक है, अब वो सब्सक्राइब भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू से मैं इसे प्ले करता हूँ और एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड वीडियो, ठीक है, बैकग्राउंड पे कोई भी वीडियो आप लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो वीडियोस पड़ी हैं सिंपल सी, तो मैं इनको ही लगा लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरे पास इधर से मूव हो गए, ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मैंने फिट कर दिया है ना यहाँ पे अपनी जगह पे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने इसको कर देना है कट, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अब यहाँ से सब कुछ हो गया, अब आप लोगों ने सिर्फ देनी है आवाज़, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने वॉइस ओवर देना है। तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप किसी भी किस्म की वॉइस डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा वॉइस तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक जो आप कह सकते हैं कि वॉइस इसकी होगी किसी हद तक, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली इसकी किसी भी किस्म की वॉइस नहीं है, बट यहाँ से मैं एक ऑडियो डी अटैच करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ऑडियो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यही ऑडियो यहाँ पे भी काम करेगी मेरे डेमो में, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो एक एक्चुअली वीडियो पोर्शन था, अब यहाँ पे ऑडियो भी लग चुकी है, एक सैम्पल ऑडियो है, एक्चुअली ये ऑडियो नहीं है, ठीक है। अब कुछ चंद्र प्रिंट की आवाज़ होगी, ठीक है, चिरपेर इस तरह का, क्योंकि एक्चुअली वो एक मोबाइल की रिकॉर्डिंग थी, बट आप यहाँ पर अपनी आवाज़ डाल सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आप कह सकते हैं, जहाँ पे ये बेल आइकन प्रेस हो रहा है, आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरह आपने मेरा इंट्रो देखा, ठीक है, एग्जैक्टली आप वही चीज़ बोल सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, सिंपली आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अब आपका इंट्रो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और आपका इंट्रो तैयार है। रोजाना न्यू टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारी तरफ से अपलोड होने वाली रोज़ नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकें।